वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे थर्मोकपल का वर्चुअल लैब के थ्रू। तो जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाले विंडो ओपन हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में हमारा एम है टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन थर्मो ईएमएफ ऑफ अ थर्मोकपल एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू हॉट जंक्शंस। तो ये 1981 में डिस्कवरी की गई थी थॉमस जॉन सीबैक के थ्रू, जिसमें यह था कि वोल्टेज जो होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसमें जो अल्फा है ये सीबैक कोफिशिएंट है, यानी वो जो साइंटिस्ट का नाम था उन्हीं के नाम पर ये इस कोफिशिएंट का नेमिंग दे दी सीबैक कोफिशिएंट। ये जो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल्स जो है ये क्रिएट हो रहा है वो है टीएच माइनस टीसी, जो है वो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू हॉट एंड कोल्ड जंक्शन, ये सीबैक कोफिशिएंट है। तो सीबैक कोफिशिएंट है, इसकी डेफिनेशन यही है कि द चेंज इन मटेरियल ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सीबैक कोफिशिएंट और थर्मोइलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी। तो ये जो कोफिशिएंट होता है ये नॉन लिनियर फंक्शन होता है टेम्परेचर का। सिमिलरली एक पेल्टियर इफेक्ट भी होता है, द पेल्टियर इफेक्ट डिस्क्राइब द टेम्परेचर डिफरेंस जनरेटेड बाई ईएमएफ एंड इज द रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट। ऑब्वियसली सीबैक इफेक्ट का रिवर्स हो गया ये। और फाइनली जो है थॉमसन इफेक्ट था वो भी इसी तरह से था कि होमोजेनियस कंडक्टर में क्या होता है, थर्मोकपल क्या करते हैं वो एक ओपन सर्किट वोल्टेज क्रिएट कर देता है कॉल्ड द सीबैक वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड रेफरेंस जंक्शन। तो बेसिकली जो फाइनल इक्वेशन जो आई वो इस तरह की आई कि ये जो ईएमएफ जनरेट होगी इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगी, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के और उसके स्क्वायर के। सिंस थर्मोकपल वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जंक्शन, इट इज नेसेसरी टू नो बोथ वोल्टेज एंड रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये जो थर्मोकपल वोल्टेज है वो दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है हॉट एंड कोल्ड के जंक्शन में। तो हमें हॉट जंक्शन का टेम्परेचर पता करना है तो हमें जो रेफरेंस, एक तो हमें मेटेरियल पता होना चाहिए कि हमने कौन से थर्मोकपल यूज करें और दूसरा हमें रेफरेंस टेम्परेचर भी पता होना चाहिए कितना है, तभी हम हॉट टेम्परेचर हॉट जंक्शन का टेम्परेचर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका ब्रीफली थ्योरी थी थर्मोकपल की। हम यहाँ पे प्रोसीजर पे अगर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमें परफॉर्म करना होगा। और ये यहाँ पे हमारे सेल्फ इवोल्यूशन आ रहा है कि हम खुद देख सकते हैं कि हम कितनी नॉलेज है हमें इस चीज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है द लॉ विच एक्सप्लेन द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट इज, तो ये ऑब्वियसली जूल्स लॉ के अकॉर्डिंगली था। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट इज गिवन बाई, यहाँ पे ये पावर के सारे फॉर्मुलेज हैं, ये सारे पावर को डिनोट कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वो किलो वाट जूल इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब ये द प्रोडक्शन ईएमएफ मीनिंग मेंटेनिंग ए डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शन और टू डिसिमिलर मीटर इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा है कि सीबैक इफेक्ट के कारण होता है। और ये थर्मो ईएमएफ वो थर्मोकपल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्शन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो हमने पांच क्वेश्चन के ऐसे जनरली आंसर देख लिए, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहता है। और ये हमारा रिजल्ट आ गया, हमारे पांचों के आंसर जो है वो ठीक है। अब हम यहाँ सिमुलेटर पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि थर्मोकपल वर्चुअल लैब के थ्रू कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, ये वोल्ट मीटर है, ऑब्वियसली ये हॉट टेम्परेचर पे रखा हुआ है, कोल्ड टेम्परेचर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये नीचे ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ भी दे रखा है। अभी ये ब्लैंक है, जैसे जैसे हम वैल्यूज रखते चले जाएंगे यहाँ ग्राफ पे अपने आप पॉइंट्स जो है डिनोट होते चले जाएंगे। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और ईएमएफ जो वोल्टेज है उसको हमने वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ से हम ये चूज कर लेते हैं थोड़ा वेरिएबल्स, थर्मोकपल टाइप चूज कर लेते हैं, ऑब्वियसली आर ही ठीक है। और रेफरेंस टेम्परेचर जीरो पे रहने देते हैं और हॉट टेम्परेचर हम धीरे धीरे एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाते रहेंगे। हॉट टेम्परेचर को धीरे धीरे हम एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो होती जा रही है। जैसे इस टाइम जो डिफरेंस है दो हॉट टेम्परेचर और रेफरेंस टेम्परेचर का 5 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितनी जनरेट हो गई, वो 0.027 वोल्ट की जनरेट हो गई है। तो धीरे धीरे हम ये बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या रहता है। ये मैं बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर और वहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है वोल्ट मीटर में।
और इधर आप देख सकते हैं कि हमारी ये ग्राफ में लाइन भी ड्रॉ होती चली जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो है लाइन ड्रॉ होती चली जा रही है। मैं अभी 600 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया है हमने टेम्परेचर, अब और बढ़ा के देखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है हॉट टेम्परेचर और रेफरेंस टेम्परेचर के बीच में, वैसे वैसे हमारी वोल्टेज भी बढ़ती जा रही है और एक ग्राफ जो है ब्लू लाइन से ड्रॉ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस टाइम हमने जो थर्मोकपल यूज करा है वो आर टाइप वाला यूज करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब है थर्मोकपल हमने कौन सा यूज करा है, प्लेटिनियम और रोडियम वाला, यानी इनमें से एक वायर जो है वो प्लेटिनियम की है और एक जो वायर है वो रोडियम की है। यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ नजर आ रही है आइस, और यहाँ पे हमने हॉट वाटर लिया है इसका हम टेम्परेचर जो है बढ़ा रहे हैं। तो 1564 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है और यहाँ पे हमारी 18 वोल्ट की जनरेट हो चुकी है EMF, और यहाँ पे आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं। फाइनली हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, रीडिंग्स हमारी ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी और ये मैक्सिमम हम टेम्परेचर डिफरेंस ले गए 1768 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह का ग्राफ बन के तैयार हुआ है। ये पूरी तरह से लीनियर नहीं है, ऑलमोस्ट लीनियर लग रहा है ये, लेकिन वो ये पूरी तरह से लीनियर नजर नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट लीनियर है। तो इस तरह का हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है थर्मोकपल का। जब हमने हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस रखा 1768 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो EMF जनरेट हुई वो ही 21.101 वोल्ट की, जब हमने थर्मोकपल यूज कर रखा था प्लेटिनियम और रोडियम का। सिमिलरली हम यहाँ से अब थर्मोकपल टाइप चेंज कर सकते हैं। अभी हमने टाइप आर लिया था, टाइप के लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्मोकपल चेंज हो गए। अलग अलग यहाँ पे हम थर्मोकपल चूज करके सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, स्टडी ऑफ द थर्मोकपल वर्चुअल लैब के थ्रू। थैंक यू।